रिच पियाना, डलास मिक कार्वर या फिर मेगन हेवोर्ड, ये तीनों एक ऐसे पेशे से ताल्लुकात रखते थे जिसे हमारी दुनिया बॉडी बिल्डिंग के नाम से जानती है। जिस पेशे में जाने वाले इंसानों का शरीर किसी आम इंसान से कई गुना चौड़ा और मजबूत होता है। दरअसल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उसी का नाम होता है जिसके शरीर की मांसपेशियों की बनावट विशालकाय हल्क की तरह हो। जितना तगड़ा बॉडी उतना ही ज्यादा शोहरत, यही बॉडी बिल्डिंग का मेन फॉर्मूला है। और इस शोहरत की लालच में दुनिया के न जाने कितने युवाओं और बॉडी बिल्डर को मौत के मुंह तक जाना पड़ा। रिच पियाना अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया के नामी ग्रामी बॉडी बिल्डर थे और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की तादाद हजारों लाखों में है। लेकिन कुछ दिनों पहले वे अपने घर में बेहोश पाए गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो बेहतरीन बॉडी बिल्डर पहले तो 2 सप्ताह तक कोमा में रहा और 2 सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत की वजह थी स्टेरॉयड, एक ऐसी दवाई या फिर कहें कि एक ऐसी खतरनाक जानलेवा दवाई जिसे आज के युवा तेजी से अपनी बॉडी को बनाने के लिए ले रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर महीने लगभग 100 से ज्यादा मौतें इस खतरनाक दवाई स्टेरॉयड की वजह से होती है। इनमें से अधिकतर मौतों की वजह का तो पता भी नहीं चलता। और आज हम आपको इस वीडियो में इस खतरनाक दवाई की एक एक कहानी को बताएंगे कि आखिर इस दवाई की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से ये दवाई हमारे आसपास के युवाओं की जान ले रहा है। आज का ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आखिर ये दवाई होती क्या है और ये काम कैसे करती है। दरअसल स्टेरॉयड एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो हर इंसान के शरीर के अंदर बनता है, जिसका काम होता है हमारी मांसपेशियों को बढ़ाना और हमारे सेक्सुअल हार्मोन का ग्रोथ करना। लेकिन नेचुरल तरीके से मांसपेशियां इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ती है जितनी रफ्तार से आज के युवा अपने मांसपेशियों को बढ़ाकर अपने आप को बॉडी बिल्डर बना देना चाहते हैं। यही वजह कि साल 1930 में कुछ डॉक्टर्स की टीम ने मैन मेड स्टेरॉयड का आविष्कार किया जिसका नाम था एम्बोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड, जिसके बाद उसी वक्त से बॉडी बिल्डर और बॉडी बिल्डर बनने की चाहत रखने वाले कुछ लोग इस दवाई का सेवन करना शुरू कर दिए। जिस भारी भरकम बॉडी को बनाने से पहले 5 से 6 साल का वक्त लगता था, इस दवाई के आने के बाद वैसी बॉडी महज 8 से 10 महीनों में ही बनाई जा सकने लगी। 1960 आते आते इस खतरनाक दवाई का इस्तेमाल एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को और तगड़ा करने में करने लगे। साल 1980 आते आते बॉडी बिल्डर्स के बीच इस दवाई का बहुत ही ज्यादा क्रेज बढ़ गया। 1970 का वो दौर जब अर्नॉल्ड पहली बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब अपने नाम किए थे, देखते ही देखते अर्नॉल्ड पूरी दुनिया की नजरों में छा चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ थे सिल्वेस्टर स्टेलोन। दुनिया भर के लोग इन दोनों की बॉडी को देख बिल्कुल वैसी बॉडी का सपना देखने लगे। 1970 या फिर 80 के उस दौर में स्टेरॉयड दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला था, या फिर कहें वो दुनिया भर के डॉक्टर उसके साइड इफेक्ट से अनजान थे। यही वजह है कि उस वक्त एनाबॉलिक स्टेरॉयड लीगल हुआ करते थे। उस वक्त हॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे इन दवाइयों का इस्तेमाल करके आकर्षक बॉडी बना रहे थे। अर्नॉल्ड और स्टेलोन की कामयाबी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को उनके जैसी बॉडी पाने के लिए मजबूर कर दिया, और देखते देखते उन दोनों के जैसा शरीर पाना दुनिया भर में एक ट्रेंड बन गया। आज भी आप भारत के किसी भी जिम में चले जाइए, वहां आपको अर्नॉल्ड के पोस्टर लगे हुए जरूर दिखेंगे। लेकिन अफसोस, उनके जैसी बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर आज जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी जान ले रहा है। दरअसल स्टेरॉयड के नाम पर बाजार में कई खतरनाक दवाइयां मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके बॉडी बिल्डर्स कुछ ही महीनों में शानदार शरीर तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये दवाएं उनके अंदर से खोखला बना देती है। दरअसल सुंदर शरीर और तगड़ा बॉडी बनाने के चक्कर में आज के युवा मेहनत करने के बजाय अननेचुरल तरीकों से और ढेर सारे इंजेक्शंस या फिर दवाइयां लेकर बहुत तेजी के साथ बॉडी बनाने के पीछे भाग रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप नर्सरी के बच्चे को क्लास 6 का सिलेबस पढ़ा रहे हो। वैसे तो इसको सही मात्रा में खाने के कई फायदे भी हैं, लेकिन अगर इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट हुआ तो किसी भी इंसान को जिम से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक का सफर करना पड़ सकता है। जब हम स्टेरॉयड को लेना शुरू करते हैं तो ये दवाई हमारे बॉडी के मसल्स की ताकत को बढ़ाता है। ये दवाई हमारे शरीर के फैट को कम रखते हुए हमारे मसल्स को इम्प्रूव करता रहता है।
साथ ही ये दवाई हमारे शरीर की हीलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। जैसे मानकर चलिए कि अगर आज आपने अपने पैरों की एक्सरसाइज की है तो अगले दिन आपको उसे आराम देना होता है, क्योंकि आपका पैर अपने आप को हील कर रहा होता है। लेकिन जब आप स्टेरॉयड को लेते हैं तो वो कुछ ही वक्त में अपने आप ही हील कर लेता है और आप अगले दिन फिर से पैरों के एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और इतनी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने की वजह से आपके मसल स्ट्रांग होते चले जाते हैं। यही वजह है कि बॉडी बिल्डर आंख मूंद कर इन दवाइयों के पीछे भागते हैं। ये हमारे मसल साइज को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। जब ये दवाई हमारे शरीर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाता है तो हमारे मसल्स की साइज भी अचानक से बढ़ने लगती है। अरे, सबसे ज्यादा मसल लेग और बाई शेप में बढ़ता है। लेकिन वही बात अगर इस दवाई से होने वाले नुकसान की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दवाई हमारे शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचाती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बॉडी के सभी अंदरूनी हिस्से हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। उसमें सबसे मुख्य काम हमारा लीवर और किडनी का होता है। लेकिन स्टेरॉयड हमारे मसल्स को मजबूत करने के साथ साथ सबसे पहले हमारे लीवर और किडनी पर ही हमला करता है, जिसकी वजह से हम ऊपर से तो मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते चले जाते हैं। दूसरी समस्या ये है, जब स्टेरॉयड लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है, जिसे गायनो कहा जाता है। इस बीमारी में आपके ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे मैन बूब्स का रूप ले लेता है, जिसको गायनेकोमस्टिया भी कहते हैं। आपने कई मेल बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनका चेस्ट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्सपेरिमेंट में पता लगा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड हमारे वीर्य काउंट को कम कर देता है, यानी कि यह खतरनाक स्टेरॉयड हमारी स्पर्म काउंट को भी प्रभावित करता है और ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या फिर कहें सेक्स ऑर्गन को इतना अधिक प्रभावित करता है कि कई मामलों में इस दवाई का इस्तेमाल करने वाले लोग कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते। स्टेरॉयड लेने की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये कि इस दवाई का इस्तेमाल करने वाले को दिल की बीमारी होने का बहुत अधिक खतरा बढ़ जाता है। और अब तक स्टेरॉयड से होने वाली जितनी भी मौतें हुई है उसमें से 98% मामलों में दिल का दौरा ही वजह बना। स्टेरॉयड हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफी हद तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा या फिर हार्ट स्ट्रोक उन लोगों के लिए आम बात बन जाती है। हमारा दिल जिस ट्यूब के जरिए हमारे पूरे शरीर में खून की सप्लाई करता है उसे धमनी कहते हैं, और जो लोग इस खतरनाक दवाई का सेवन करते हैं उनकी धमनियां छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के हर अंगों तक खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता, जिस वजह से शरीर के हर अंग में खून और ऑक्सीजन का अच्छी तरह से सप्लाई न होने की वजह से उनका शरीर अंदर से बीमार होता चला जाता है। ये वजह कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने वाले आजकल के लोग अचानक से बॉडी बिल्डर जैसी शक्ल और शरीर तो पा लेते हैं लेकिन उनका शरीर अंदर से इतना अधिक कमजोर होता है कि वो 25 से 30 साल की उम्र को भी पूरा करने से पहले ही मौत की नींद सो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों से हमारे इंडिया में स्टेरॉयड की वजह से होने वाली मौतों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि एक चिंता का विषय बन गई है। नोएडा में महज 23 साल का एक लड़का स्टेरॉयड लेकर बॉडी बिल्डर जैसा शरीर तो पा लिया लेकिन सिर्फ 23 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। 25 साल के ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर मैगन हैफोर्ड जून महीने में अपने अपार्टमेंट में बेहोश मिली थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया दिमाग तक ठीक से ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से उनका दिमाग मर चुका है। 2 दिनों तक कोमा में रहने के बाद वो फीमेल बॉडी बिल्डर मौत की नींद सो गई। बाद में रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि स्टेरॉयड की वजह से उनके शरीर में प्रोटीन की ओवरडोज हो गई। उनके शरीर में इतना प्रोटीन जमा हो गया कि शरीर उसको तोड़ नहीं पा रहा था। इसके बावजूद वो प्रतियोगिता की तैयारी के लिए लगातार प्रोटीन ले रही थी। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे 4-5 महीनों में ही बॉडी बिल्डर जैसी शक्ल पाने के लालच में लोग मौत को भले ही गले लगा रहे हैं। न जाने क्यों लोग मेहनत करके अपने शरीर को बनाने की जगह तमाम तरह की जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करके अपना शरीर बनाना चाहते हैं। खैर, हम तो लोगों से यही विनती करते हैं कि मेहनत करके एक स्वस्थ शरीर बनाइए, क्योंकि ऐसे मसल्स और सिक्स पैक की कोई कीमत नहीं जो आपसे आपकी अनमोल जिंदगी छीन ले। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको स्टेरॉयड से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाता रहता है।